गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं आपको बता रहा था डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन का थ्योरी भी दिया था, एक्सपोनेंशियल का दिया था, लॉगरिथम का चल रहा है तो लॉगरिथम का देखिए। मैं कल आपको यहाँ तक बता दिया था, यहाँ तक आया था y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स टू डी पावर एफ एक्स, इस तरह से बताया था मैंने, इसका बताया था डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से वाई स्क्वायर बाय वन माइनस वाई लॉग एफ एक्स इन टू एफ डैश एक्स, इस टाइप से बताया था। इसके बाद थ्योरी पर चलते हैं, हम देखते हैं इस तरह से थ्योरी है आपका, एग्जाम्पल लिख दिए सॉरी, थ्योरी है वाई इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, इस तरह से चलेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल की बात करें हम, इस तरह से एग्जाम्पल अगर दें कि y इज इक्वल टू, देखिए एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, इस तरह से अगर आप देखेंगे सवाल तो आपको मिलेगा। और इस टाइप का प्रॉब्लम को हम कैसे बनाएंगे, इसका थ्योरी क्या होगा, हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। दिस इज ए थ्योरी और दिस इज एग्जाम्पल, यानी आप थ्योरी को समझिए और एग्जाम्पल पर चले जाइए। एग्जाम्पल आराम से थ्योरी से बनेगा। तो आपको क्या बताए थे, नेचर क्या है, वाई का नेचर कहाँ क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, एफ एक्स से है ना, वाई का वैल्यू एफ एक्स शुरू हो रहा है, और देखिए नेचर सेम है, यहाँ से फिर एफ एक्स है, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स टू द पावर वाई, यहाँ से फिर आप वाई मान लीजिए, क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एफ एक्स टू पावर जी एक्स टू पावर वाई, लॉग वाई इक्वल टू, इसको देखिए यहां से छोड़िए, यहां से लीजिए इधर, यानी जी एक्स टू पावर वाई लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। अभी भी आपका नहीं आया है डिफ्रेंसिएशन के मोड में, यहां देखिए फिर पावर वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये u इंटू v में टूटेगा, लेकिन यहाँ फिर आपका वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, यहाँ देखिए जी एक्स टू द पावर फंक्शन पावर y, इसका मतलब हम फिर से एक बार लॉग लेंगे, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग लॉग y, देखिए तो लॉग वाई में भी लॉग लगा दिए, और इधर भी आपका लॉग चलेगा, लॉग जी एक्स टू पावर वाई इंटू लॉग एफ एक्स, देखिए तो एम इंटू एन, एम इंटू एन क्या होगा, लॉग लॉग वाई इजकल टू ये एम और ये एन, तो दोनों मिलेगा लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस एन, लॉग जी एक्स टू पावर वाई प्लस लॉग log एफ एक्स, इस टाइप से log m इंटू एन, log m प्लस log n। अब देखिए यहाँ फिर ये पावर है log m टू द पावर n, n log m, इस टाइप से करेंगे हम। इस तरह आप इसको डिफ्रेंशिएट के मोड पर लाते हैं, इस तरह से log log y, अब देखिए तो ये पावर इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, वाई लॉग जी एक्स प्लस लॉग लॉग एफ एक्स प्लस लॉग लॉग एफ एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग, अब डिफ्रेंशिएटिंग के मोड में आ गया ये, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफ्रेंशिएटिंग के मोड में ले आइए, और इस तरह से आप देखिए तो पहले इस लॉग का यहाँ थ्री फंक्शंस हैं वन टू थ्री, यहाँ देखिए पहले लॉग का करेंगे तो वन बाय लॉग वाई, फिर लॉग वाई करेंगे वन बाय वाई, वाई का क्या होगा डी वाई बाय
डी एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी, यू को रखो भी का पहले लॉग का वन बाय जी एक्स और जी एक्स का जी डैस एक्स प्लस यहां पहले इस लॉग का पहले इसको फिर यू इंटू भी में ये यू है ये भी है यू को रखे भी का डिफ्रेंशिएट और भी को रखेंगे लॉग जी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स यहां तक दिखाई पड़ता होगा प्लस प्लस देखिए थ्री फंक्शन है वन टू थ्री थ्री स्टेप में टूटेगा वन बाय लॉग एफ एक्स वन बाय एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इस टाइप से। तो देखिए तो अब क्या होगा वन बाय वाई लॉग वाई डी वाई बाय डी एक्स। मैंने कहा था दोनों तरफ वाई जब फंस जाता है तो आप कैसे फंक्शन कहेंगे इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे और इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल पर जाएंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट इसके बाद डीवाई डी एक्स को लेफ्ट साइड और विदाउट डीवाई डी एक्स को राइट साइड इसके बाद कॉमन लेते हैं डिवाइड करते हैं डीवाई डी एक्स के कोएफिशिएंट से और फिर आप सॉल्व करेंगे उत्तर मिलेगा आपको। तो देखिए तो वन बाय वाई लॉग वाई डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ है यहाँ पर है या इधर ले आ सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ कीजिए चूंकि जगह भी नहीं है माइनस लॉग जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका है वाई जी डैश एक्स बाय जी एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स लॉग एफ एक्स यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा आपको इस टाइप से। अब आप क्या करते हैं इस तरह से कॉमन लेंगे हम आपका क्या लेंगे डी वाई डी एक्स को कॉमन लीजिए वन बाय वाई लॉग वाई माइनस लॉग जी एक्स कॉमन आ गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई जी डैस एक्स बाय जी एक्स प्लस एफ डैस एक्स बाय एफ एक्स लॉग एफ एक्स लॉग एफ एक्स देख लीजिए आ गया। अब यहां पर क्या लेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे और एलसीएम से हम बनाएंगे तो क्या होगा एलसीएम वाई लॉग वाई वन माइनस वाई लॉग जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहां तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो कहेंगे वाई जी डैस एक्स बाय जी एक्स प्लस एफ डैस एक्स बाय एफ एक्स लॉग एफ एक्स तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा नीचे दिखाई पड़ रहा होगा यहां तक आंसर हो जाएगा वाई लॉग वाई बाय वन माइनस वाई लॉग वाई और लॉग जी एक्स इंटू वाई जी डैस एक्स बाय जी एक्स प्लस एफ डैस एक्स बाय एफ एक्स लॉग एफ एक्स इस टाइप से आप बना सकते हैं फॉर्म। ये आप चाहे तो इसको फॉर्मूला मान लीजिए लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मूला मान लीजिए लेकिन इतना फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा इसलिए आप प्रोसेस पर चलिए और प्रोसेस पर बनाइए। अगर इसको याद करने के लिए चाहेंगे तो इस पर 10-20 एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा तब दिमाग में बैठेगा अन्यथा नहीं बैठेगा। लोग इसी तरह केवल फॉर्मूला लिखाते हैं और सवाल बनाते हैं तो मैं आपको ज़्यादा एनालिसिस करके दिखा दिया कि कैसे आता है और कैसे फॉर्मूला बनता है। आप इस पर विचार कीजिए और राइट डाउन आप इसको लिख लीजिए। हमारे साथ आज जुड़े हैं पृथ्वी सिंह राहुल दीवाना अभिराज अमरेश कुमार शर्मा मिलन कुमार टुनटुन कुमार कन्हाई कुमार मुन्ना कुमार नीतीश कुमार अभिषेक कुमार दिलखुश कुमार मोहम्मद मिमसाद प्रिंस कुमार ज्योतेंद्र कुमार आकाश पासवान मनोज मंडल राम विजय राय रॉकी रुपेश सिंह निधि कुमारी कुंदन कुमार
सौरभ कुमार, कृष्णा कुमार, राजा कुमार, सौरभ कुमार, नीतीश कुमार, मनीष रजक, मुन्ना कुमार, बालकिशोर कुमार, प्रसाद विभोर, प्रसाद विभोर, नया छावनी भरियारपुर से शिवेश जुड़े हैं, संतोष कुमार, सौरभ कुमार, मनीष कुमार, नितेश कुमार, मनोरंजन कुमार, मनोरंजन हुक्स, गगनदीप कुमार, शिवम राज, अल्फा अंकित, पुष्प मल्होत्रा, पीयूष कुमार, पंकज कुमार, दिलखुश यादव, मनीष रजक, सचिन कुमार। इस तरह से फिर से लोग अपने अपने आने लगे। देसी न्यूज हर्ट भी जुटे हैं, अनिल यादव भी जुटे हैं, दिलखुश यादव भी जुटे हैं, चंदन राज हैं, पंकज कुमार हैं, सौरभ यादव हैं, सोनू कुमार हैं, मनीष रजक हैं, अभिषेक कुमार हैं, राहुल दीवाना, सौरभ कुमार, ये सब आप बहुत बहुत थैंक्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपका हो गया होगा, आप देख लीजिए, वीडियो पर भी रहता है, आप वीडियो घुमा के भी देख सकते हैं, जहाँ नहीं समझे। जो भी लड़के जुटे हुए हैं, थोड़ा थ्योरी पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए खास हम बता देते हैं कि थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ये रिजल्ट बन रहा है। सब्जेक्टिव तो आप बना ही लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। हो गया होगा पंकज कुमार जी, सालू भारती भी हैं, सब लोग हैं। चलिए इधर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आपका इसका एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे कैसे होगा। वही एग्जाम्पल दिए थे आपको, या इस तरह से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाई इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर एक्स डॉट डॉट इन्फिनाइट। आप चाहें तो एफ एक्स और जी एक्स का मान लेकर के यहाँ रख दें, या तो फिर, या तो हम देखिए पहले रख देते हैं फिर बना देंगे। देखिए तो यही रखते हैं, इसका डी वाई यहाँ चूज कर देते हैं आपको, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इजिकल टू एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला पर। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आपका होगा कॉस एक्स एंड जी डैश एक्स का वैल्यू होगा वन। रख दीजिए फॉर्मूला पर डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए वाई लॉग वाई, वाई तो आपके पास है, वाई लॉग वाई बाय वन माइनस वाई लॉग वाई लॉग जी एक्स, लॉग जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास एक्स इंटू वाई जी डैश एक्स, क्या है जी डैश एक्स बाय जी एक्स, जी डैश बाय जी एक्स, जी डैश का मान वन बाय एक्स प्लस एफ डैश एक्स का मान कितना है एफ डैश एक्स, देख लीजिए यहाँ एफ एक्स लगाना है, एफ डैश एक्स क्या है कॉस एक्स बाय एफ एक्स, कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स आंसर। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर देखिए आंसर यही आएगा, इसको हम डिटेल से बनाते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x साइन एक्स टू द पावर x डॉट डॉट क्या है इन्फिनिटिव है ना। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग log both side, टेकिंग log both side, तो क्या लिखेंगे log y इक्वल टू log, सॉरी पहले इसको मानना पड़ेगा y ना, अच्छा 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 हम थोड़ा सा भाग गए थे। तो y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, यहीं से फिर साइन x है तो इसी को क्या मानते हैं हम y, टेकिंग log both साइड log y इक्वल टू log साइन x टू द पावर x टू द पावर y साइन x टू द पावर y। अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो क्या लेंगे log y इक्वल टू x टू पावर y log साइन x। अभी भी देखिए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, जहां भी देखिएगा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है आप तुरंत उसको log लेंगे। चलिए log पर चलते हैं, फिर अगेन टेकिंग log both साइड, अगेन टेकिंग log बॉथ साइड, फिर लॉग लीजिए
देखिए सेम प्रोसेस में बनाना है आपको, log log y इक्वल टू log x पावर y log साइन x log साइन u इंटू v। कैसे तोड़ोगे, log log y इक्वल टू log m इंटू n प्लस log साइन x। डिफ्रेंशिएटिंग अभी कैसे इसको लाइए पावर किधर, log log y इक्वल टू y log x प्लस log साइन x। फिर देखिए आपका log दोनों तरफ फंस गया है, कौन सा फंक्शन की बात करेंगे, ये डिफ्रेंशिएटिंग मोड में आ गया है, आप u इंटू v पर u प्लस v पर इस तरह तोड़ेंगे, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पर चैन रूल सिस्टम से तोड़ेंगे और आपको ये डिफ्रेंशिएटिंग मोड में है, दोनों तरफ y फंसा हुआ है, दोनों तरफ y फंसा हुआ है, इस स्थिति में आप कौन किस प्रोसेस को लेंगे। याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन पर चलेंगे, उसका क्या था रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल था केवल कि सबसे पहले एट फर्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग करना है आपको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ थ्री फंक्शन हैं, वन बाय लॉग वाई गुना वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, वन बाय लॉग वाई गुना वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, इस तरह से इधर हो गया। अब देखिए u इंटू भी, u को रखिए v का डिफ्रेंशिएट प्लस v को रखिए u का डिफ्रेंशिएट प्लस, यहाँ देखिए दो फंक्शन है, एक लॉगरिथम है दूसरा त्रिकोणमेट्रिकल है, तो ये चैन रूल सिस्टम पर वन बाय साइन एक्स लॉग का क्या होगा, वन बाय साइन एक्स का कॉस एक्स। देखिए यहाँ वन बाय वाई लॉग वाई माइनस डी वाई डी एक्स कर लाइए लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई बाई एक्स प्लस कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन को क्या बोलेंगे, कॉस बाय साइन को कॉट एक्स। और यहां साइन एक्स होगा ना, अच्छा इसका डिफरेंशिएट हो गया वाई बाय एक्स, तो चलिए यहां एलसीएम लीजिए, यहां डी वाई डी एक्स छूट गया, एक मिनट छूट गया है, वन बाय वाई लॉग वाई वन बाय वाई लॉग वाई डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू वाई बाय एक्स प्लस, फिर देखिए इसको इधर लाना है माइनस लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस कॉट एक्स, वाई बाय एक्स प्लस कॉट एक्स। तो यहां क्या होगा, वन बाय वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस कॉट एक्स, वाई बाय एक्स प्लस कॉट एक्स। एलसीएम लेंगे, अब जगह नहीं है, एलसीएम ले लीजिए, वन बाय वाई लॉग वाई लॉग एक्स बाय वन माइनस वाई सॉरी वन माइनस कहा वाई लॉग वाई डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू वाई बाय एक्स प्लस कॉट एक्स। अब आप डिवाइड कीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए वाई बाय एक्स यहाँ क्या गलती कर दी, एफ एक्स एफ डैश एक्स साइन एक्स, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, फॉर्मूला तो मिटा दिए। खैर यहाँ लॉग एक्स था तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, वन बाय साइन एक्स का, ओहो हो यहाँ पर मिस किए हैं, ये लॉग इसमें भी लगेगा, देखिए यहाँ ये इसमें लगेगा लॉग लॉग साइन एक्स लॉग लॉग साइन एक्स, ये इसमें लगेगा ना लॉग साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा वन बाय लॉग साइन एक्स वन बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन बटे कॉस, एक कॉस बटे साइन कॉट
एक्स वाई लॉग साइन एक्स कॉट एक्स वाई लॉग साइन एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा कॉट एक्स वाई लॉग साइन एक्स। यहाँ पर गलती हुआ है, एफ एक्स था, इसका मान है साइन एक्स, इसका मान भी क्या होगा साइन एक्स। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट। डिवाइड करेंगे, देखिए आपका वही उत्तर हुआ, वाई लॉग वाई, वाई लॉग वाई इधर जाएगा तो भाग दीजिएगा, जगह नहीं है, कहाँ लिखें, जगह तो नहीं है, नीचे दिखाई तो नहीं पड़ता है, नहीं, यहाँ लिखते हैं बगल में देखते हैं आपका, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से नीचे दिखे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई लॉग वाई बाय वन माइनस वाई लॉग एक्स इंटू वाई बाय एक्स प्लस कॉट एक्स बाय लॉग साइन एक्स। देखिए कॉस बटे साइन वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स कॉस बटे साइन कॉट लॉग साइन एक्स, यहाँ देखिए वाई लॉग वाई, वाई लॉग वाई वन वाई लॉग वाई लॉग एक्स, वन माइनस वाई लॉग वाई लॉग एक्स। इस टाइप से आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं या लॉन्ग प्रोसेस में जा सकते हैं। इस तरह से आपका किताब मिलेगा, एक किताब में सवाल मिलेगा, इसलिए आपको इस तरह की बात करेंगे। आप देख लीजिएगा, इस तरह से एग्जाम्पल से भी समझा दिए हम, आप जब भी चाहें वीडियो रोक के देख सकते हैं, हो सकता है कहीं कहीं मिस कर जाते हैं, उसे अपना देख लीजिएगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस में जो भी आप बनाइए हम बनाइए कहीं कहीं मिस कर जाते हैं, अब देखिए वहाँ छूट गया था उसको फिर सुधारे। इस टाइप से अब आगे चलते हैं थ्योरी पर, फिर आपका थ्योरी होगा इस टाइप से, देखिए कितना थ्योरी है लॉगरिथम में, कितना आसान है, फिर देखिए थ्योरी है, इस टाइप का थ्योरी आपको मिलेगा, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स प्लस जी एक्स टू दी पावर एच एक्स, इस टाइप का भी प्रश्न आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप देखेंगे कि आपका किताब में भी प्रश्न है, किताब में भी क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम है, और इसमें भी है, ये क्या कहते हैं एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में दो चैप्टर में सवाल दिया गया है, पहला दिया गया है आप देखेंगे 5.4 और 5.5, इस दोनों मिला के दिया गया है। आप कुछ लड़के इस प्रॉब्लम भी पूछ रहे हैं हमसे, व्हाट्सएप पर भी आया था, हम उसको जब ये हो जाएगा तब हम बताएंगे, जब थ्योरी खत्म कर देंगे तो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम लेकर के, बुक का प्रॉब्लम लेकर के हम आएंगे, आप जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से या बुक के माध्यम से जो भी बोलेंगे हम सवाल बना देंगे, लेकिन पहले हमको थ्योरी इसका खत्म करने दीजिए, इसी में थ्योरी तो ज़्यादा है, इस थ्योरी को खत्म करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, इजी मेथड भी बता देंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए इस तरह का थ्योरी, जहां भी आप इसका थ्योरी देखिएगा, इसको मान लीजिएगा यू और इसको मान लेंगे भी, क्या मानेंगे, लेट यू इज इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स एंड भी इज इक्वल टू जी एक्स टू दी पावर एच एक्स, इस टाइप से हम ऐसे आगे आपको बताएंगे, इसका तुरंत फॉर्मा लगा देंगे, ई टू पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स, इस तरह से बनाएंगे, सवाल में भी हम देंगे, लेकिन ये अभी नहीं बनाएंगे इस मेथड से, हमको अभी जैसे हम आपको एक दिखाते हैं ट्रिक पर लिख चलते हैं कि वेरिएबल टू डी पावर वेरिएबल है, जहां भी आप देखिएगा वेरिएबल टू डी पावर वेरिएबल, आप तुरंत लॉग लेने का प्रयास कीजिएगा, क्या लेने का प्रयास कीजिएगा, लॉग लेने का प्रयास कीजिएगा, इसको अभी रहने दीजिए, बाद में प्रॉब्लम में बताएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो क्या होगा, वाई इक्वल टू इसको क्या माने आप यू, इसको क्या माने आप भी, यू प्लस भी, इसको डिफ्रेंशिएटिंग कीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि यू भी एक्स का फंक्शन और भी एक्स का फंक्शन, इसलिए डी यू बटे डी एक्स डी वी बटे डी एक्स, इसको मान लीजिएगा वन, इसको क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे, इस तरह से। अब देखिए तो इस तरह से जब हम लेंगे तो पहले डी यू बटे डी एक्स का मान निकालेंगे, तब हम dv बटे dx का मान निकालेंगे, इस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले नाउ u इज इक्वल टू
एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तो देखिए, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो आप क्या लेंगे, आपको तुरंत लेना है लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, कुछ है नहीं, लगेगा लंबा सवाल है लेकिन कुछ नहीं है, आप फटाफट हो जाएगा, आप प्रोसेस में आइएगा, सब बनते जाएगा, कैलकुलेशन ठीक रखिएगा। लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स टू पावर जी एक्स, लॉग यू इज इक्वल टू जी एक्स लॉग एफ एक्स, लॉग यू इज इक्वल टू जी एक्स लॉग एफ एक्स, इस टाइप से। तो अब देखिए, तो u इंटू v डिफ्रेंशिएटिंग के मोड में आ गया ही, क्या कहेंगे u इंटू v, ये डिफ्रेंशिएटिंग के मोड में है। जब पावर को इधर लाए लॉग m टू द पावर n, तो n लॉग m, तो n लॉग m के फॉर्मूला पर तोड़ के जब इसको लाए, तो ये देखिए डिफ्रेंशिएटिंग के मोड में है, और आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 1 बाय यू, दिखाई पड़ रहा होगा 1 बाय यू डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी, जी एक्स रह गया, लॉग का दो फंक्शन है, लॉग का 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ एक्स का एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स जी एक्स का क्या होगा जी डैश एक्स। अब चूंकि नीचे जगह नहीं है, इधर आते हैं, अब देखिए, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू, इधर आ जाएगा, इधर यू आ जाएगा गुना में, तो यू इंटू क्या हो गया जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स इस टाइप का। तो यू का मान रख दीजिए, यू का मान क्या माने हैं आप, इस तरह से यू का मान रखेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो आप एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इंटू जी एक्स एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स। ये देखिए, इसको मान लीजिए ए, क्योंकि डी वाई डी एक्स का मान निकाल लिए, अब किसका मान निकालेंगे आप, डी वी बाय डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, और डी एक्स का डी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगेन वी इक्वल टू जी एक्स टू द पावर एच एक्स, ऐसा हम आपको फॉर्मूला भी बताए थे, आप चाहें तो फॉर्मूला पर भी रख सकते हैं, क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड लॉग वी इक्वल टू लॉग जी एक्स टू द पावर एच एक्स, लॉग वी इक्वल टू लॉग जी एक्स टू द पावर एच एक्स, इस तरह से आप, फिर ये आ जाएगा इधर लॉग वी इक्वल टू एच एक्स लॉग जी एक्स। देखो बाबू, ध्यान से सब, थ्योरी बहुत कम जगह मिलेगा, प्रॉब्लम बना के निकाल देता है, थ्योरी को पकड़ना है, बहुत जगह प्रॉब्लम बना के निकाल देता है, जो दिक्कत है। दीपक जी पहले लिख के तैयार हैं, राहु कुमार लॉग लेगा सर, निधि कुमारी यू यू इंटू वी में राइट, प्रकाश जी भी हैं, विशाल प्रकाश, ये सब हैं जुड़े हुए, बार बार रहते हैं, आप लोग डेली क्लास करते हैं, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। देखिए, तो अब यू इंटू वी में, यू इंटू वी में क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय वी डी वी बटे डी एक्स, यू इंटू वी एच एक्स वन बाय जी एक्स जी डैश का जी जी एक्स का जी डैश एक्स, यू को रखे वी का हो गया, प्लस वी को रखेंगे लॉग जी एक्स इंटू एच एच का एच एक्स का एच डैश एक्स, आपका फिर वी जाएगा इधर डी वी बाय डी एक्स, भी को ले जाइए इधर भी एच एक्स, देखिए सेम निकला जी डैश एक्स बाय जी एक्स प्लस एच डैश एक्स लॉग जी एक्स, इस टाइप से। हाँ देख लो बाबू साहब, बड़ा ये सब प्रॉब्लम बनाना है आपको, केस में एनसीईआरटी दोनों में है और अदर बुक में भी है,
यानी कोई भी थ्योरी को मत छोड़ना, क्योंकि थ्योरी पर ही प्रॉब्लम बनता है। आजकल लड़के आते हैं प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का प्रैक्टिस जरूरी है लेकिन थ्योरी का भी जरूरी है, थ्योरी से ही प्रॉब्लम निकलता है। कहता है सबसे पहले थिंकिंग, थ्योरी तब प्रॉब्लम। थिंकिंग कीजिए, थ्योरी होगा तब प्रॉब्लम होगा। इस टाइप से भी का मान रख दीजिए। भी का मान क्या है, देखिए जी एक्स टू द पावर एच एक्स, इसलिए डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स टू द पावर एच एक्स, मुझे लगता है दिखाई पड़ रहा होगा तो देखिएगा नीचे, है ना, इन टू एच एक्स जी डैश एक्स बाय जी एक्स प्लस एच डैश एक्स लॉग जी एक्स, लॉग जी एक्स। इस टाइप से साहिल सिंह राजपूत भी जुड़ गए हैं, हो गया है इनका, हो भी गया। देखिए कुछ लड़के ऐसे हैं जो डेली घर में पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका हो जाएगा। और कुछ लड़के वीडियो ही नहीं देखते हैं, पीछे का भी देखिए, आगे का भी देखिए, बराबर देखिए, और उसको कॉपी में नोट बनाइए। विदाउट कॉपी में नोट का कुछ आप नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, कुछ दिन दिमाग में रहेगा लेकिन फिर भूल जाइएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो प्रोसेस दिमाग में बैठ जाएगा। मैथमेटिक्स बिल्कुल प्रैक्टिस की चीज़ है, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए आप, विदाउट प्रैक्टिस आपका कुछ नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ए बी, उसको ए माने, इसको क्या मान लिए, बी मान लिए, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा सबको, बी मान लिए। अब आगे आप वन में रख दीजिए डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स का मान इसमें रख दीजिए और आपका आंसर है, क्या है आपका आंसर है, इधर हो गया होगा उम्मीद करते हैं, इधर सब लोग लिख लिए होंगे या वीडियो घुमा के भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, देख लो बाबू। डायरेक्ट सवाल ही बना सकते थे, डायरेक्ट लोग सवाल बना देना, इसे बनाइएगा, हम बिल्कुल थ्योरी पर जाके दे रहे हैं आपको। तो क्या लिखे आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिख दीजिएगा फ्रॉम वन, फ्रॉम वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर निकाले हैं, और आपका वैल्यू है एफ एक्स टू पावर जी एक्स इंटू जी एक्स एफ डैस एक्स बाय एफ एक्स प्लस जी डैस एक्स लॉग एफ एक्स प्लस, इसका मान रख दिए डी वाई डी एक्स का वैल्यू रख दिए। अब किसका मान रखना है, डी वाई डी एक्स क्या है बीच में, प्लस, प्लस को डालिए, प्लस क्या है देखिए जी एक्स टू डी पावर एच एक्स एच एक्स जी डैश एक्स बाय जी एक्स प्लस एच डैश एक्स लॉग जी एक्स, लॉग जी एक्स। देखिए आपके पास ये थ्योरी है इस टाइप का, और इस तरह का थ्योरी पर जो भी प्रॉब्लम होगा आप बनाएंगे, यही थ्योरी कहलाता है, यही थ्योरी कहलाता है। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल है जनाब, एग्जाम्पल भी देखिए आप लोग, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस एक्स टू द पावर साइन एक्स, इस टाइप का प्रॉब्लम आप देखे होंगे बुक में। आप अगर पढ़ते हैं, किताब उलटाते हैं, हम बार बार चर्चा करते हैं केसी सिन्हा में 11.4 एंड एनसीईआरटी में 5.4 5.5, ये दोनों है, आप देख सकते हैं। आप किताब अगर उल्टाए होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बढ़ना चाहिए। अब थ्योरी अगर मिल गया तो क्या मानते हैं इसको, यू और इसको भी, लेट यू इज इक्वल टू साइन एक्स बाय साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स यू का वैल्यू एंड भी एक्स टू द पावर साइन एक्स, मान लिया हम इसको यू और इसको क्या मान लेंगे, भी। वेरी सिंपल, मैंने इसके पहले भी एक चीज बताया था, आप चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपको फॉर्मूला भी बनाए हैं। तो इस तरह से अब आप क्या जब कहां पहुंच गए, इसको u पर और इसका वैल्यू v पर, तो y इक्वल टू इसका मान u रखिए, तो u अब प्लस इसका मान v रखिए। अब देखिए तो u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, y तो ऑलरेडी x का फंक्शन है,
तो आप डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इसी को आप क्या मान लेंगे वन, चूंकि हमको डी यू बटे डी एक्स इसी से निकालना है, डी वी बटे डी एक्स इसी से निकालना है, और इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं वेरिएबल टू डी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू डी पावर वेरिएबल, तो आप लॉग लगाइए, क्या लगाइए लॉग लगाइए, अन्यथा विदाउट लॉग भी हम बना दिखाते हैं, इसके पहले लॉग दिए थे थ्योरी में, विदाउट लॉग भी आप चलेंगे इस पर तो बन जाएगा, एक ही चीज है दोनों लॉग लगाइए या ई पर लाइए, एक ही चीज है। देखिए आपको मैंने कहा था कि अगर इस तरह से पकड़िए आप, थोड़ा सा हम बताते हैं या नीचे लिख देते हैं, नीचे हो गया होगा सबका, देखिए एक चीज बताए थे हम लॉग एन ए इजकल टू एक्स, तो एन इजकल टू क्या कहे थे ए टू दी पावर एक्स, एन इजकल टू क्या कहे थे ए टू दी पावर एक्स, तो सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं, और इसी थ्योरी पर हम इसको लाते हैं। देखिए कैसे लाते हैं, अगर आप लिखते हैं वाई इजकल टू एक्स टू पावर एक्स, लॉग लीजिए लॉग वाई बेस सी लीजिए लॉग बेस सी एक्स टू पावर एक्स ले लिए, तो देखिए तो क्या हो गया लॉग y बेस इजिकल टू एक्स लॉग एक्स बेस एम पावर एन, इधर ले आइए आप देखिए तो y इजिकल टू क्या होगा e के मथा पर कौन चढ़ेगा x लॉग x बेस, इस तरह से भी ले सकते हैं, इस प्रोसेस में भी ले सकते चल सकते हैं, हम यहां पर डिस्क्रिप्शन देके बताए हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं आप, कोई कोई टीचर इस तरह से ही लेके बताते हैं, तो इस तरह से भी लेके आप बना सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लॉग y बराबर हो जाएगा e पावर इतना, और वही चीज है या तो लॉग में u इंटू भीम बनाइए या y इक्वल टू इतना लेके बनाइए, बहुत टीचर इसे बना के निकालते हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, टेंशन नहीं है। नाउ u इज इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x, साइन x टू द पावर cos x, आप चाहें तो लॉग लें या तो डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं, आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं, क्या हो जाएगा हम डायरेक्ट बना दें नहीं लॉग से, ठीक है टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेकिन थोड़ा लॉग से लंबा होगा बता देते हैं, और इधर इससे छोटा करोगे तो इसका यही होता है डिफरेंशिएट, क्योंकि आप जानते हैं ई टू पावर एक्स का, ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है ई टू पावर एक्स, डायरेक्ट बनाइएगा तो क्या लेंगे लॉग यू बेस ही ले लो लॉग बेस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है बालकिशोर जी लॉग से ही बना रहे हैं हम, तो चलिए लॉग यू बेस ई, यू बेस ई इधर आओगे कॉस लेकर के क्या हो जाएगा कॉस लॉग साइन एक्स, बेस ई लिए हैं नहीं कुछ बेस तो ई बेस होगा जिसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। अब आप देखिए तो मोड में आ गया, डिफरेंशिएटिंग के मोड में आ गया, यहीं पर हम बोले थे यू बराबर ई के मथा पर चढ़ जाता है, यहीं पर आप इस तरह लिख सकते हैं यू ई टू पावर कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, देखिए तो यू इंटू भी बराबर ही बात है, यू वन बाय यू इधर फिर जाएगा तो यही आएगा आपका, खैर कोई बात नहीं है, चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएटिंग के मोड में आ गया, जब आ गया तो क्या होगा यू का पहले लॉग का होगा तब यू का होगा, लॉग का वन बाय यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू भी कॉस एक्स वन बाय साइन एक्स, कॉस एक्स यू इंटू भी, यू को रखे भी का, भी में दो फंक्शन है लॉगरिथम एंड ट्रिकोनोमेट्रिकल, लॉगरिथम एंड ट्रिकोनोमेट्रिकल, और ये दो फंक्शन है तो चैन रूल पर चलेगा, पहले लॉग का होगा तब साइन का होगा, लॉग का वन बाय साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस अब क्या होगा भी को रखोगे लॉग साइन एक्स, ये यू ये भी, यू का क्या होगा माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, देखिए तो क्या हो गया डी यू बाई डी एक्स, यू को इधर ले आइए, यू लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स, इस तरह से आप कर सकते हैं।
तो देखिए, तो डी यू वाई डी एक्स इजकल टू यू का मान आपके पास है, यू का मान कहाँ है जनाब, यहां माने हैं, तो क्या लिखेंगे यू का मान, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये समीकरण यानी इक्वेशन ए इस टाइप से। तो आप क्या निकालेंगे, वी का वैल्यू निकालेंगे, डी वी बटे डी एक्स। सॉल्व हो गया सर, अरुण कुमार बोले सॉल्व हो गया सर, दीपक कुमार बोले हो गया सर, सचिन कुमार बोले सर बन जाएगा, अच्छी बात है। शिवेश सॉल्व हो गया सर, अच्छी बात है। साहिल रंजन राजपूत बहुत है सर, निधि कुमार यस सर, इस तरह से चलेगा आपका। मौसम कुमार भी आए हैं, जुटे हैं, कुंदन कुमार जी भी हैं, सब लोग हैं। तो हमको लगता है कुछ लड़के बोल रहे हैं फिर से बताइए सर, सर कुछ लोग बोलते हैं आप बताइए, आपको हम वीडियो दिए हैं, आपको यहाँ जो हम फिर से बताएंगे तो वही चीज़ हम फिर वीडियो में बोले हैं। तो वीडियो खोल के आप देखिए, पीछे जैसे आप वीडियो यहाँ से चल रहा है, यहाँ नहीं समझे पीछे आ गए, फिर चले, फिर नहीं समझे फिर थोड़ा देर पीछे आए, यानी कि फिर शुरू से देखना ऐसी बात नहीं है। इस तरह से आप देख के देखिए, इस तरह से अब निकल गया, आप किसका मान निकालोगे, भी वाला पार्ट। अगेन क्या लिखेंगे, अगेन भी इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ऐसा प्रॉब्लम आपको बताए हैं पीछे भी, चूंकि एफ एक्स टू दावर जी एक्स का थ्योरी दिए थे, इस थ्योरी पर भी आप बना सकते हैं, ये थ्योरी दिए थे आपको एफ एक्स टू दावर जी एक्स, देखिए तो इसी का तो है ही एक्स टू पावर साइन एक्स, नहीं है इस तरह से। तो फिर आप टेकिंग दिखाई तो नहीं पड़ेगा, टेकिंग लॉग बॉथ साइड, दोनों बगल लॉग लेंगे तो फिर क्या आएगा आपका, ये हो गया होगा आपका, एक्स टू पावर साइन एक्स है, लॉग भी इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर साइन एक्स। अब देखिए तो लॉग भी इक्वल टू इधर आएगा साइन एक्स, क्या कहे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, अब यू इंटू भी डिफरेंशिएटिंग के मोड में है, डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन बाय भी डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यू इंटू भी यू को रख दिए, भी का डिफरेंशिएट लॉग एक्स का, वन बाय एक्स बिकाउच नहीं कुछ, यहाँ पर अगर नहीं कुछ तो आप नेचुरल लॉग है और उसका बेस ई होगा, अगर नहीं कुछ बेस है तो ई बेस है, और ई बेस का डिफरेंशिएट क्या होता है, वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स साइन का कॉस एक्स निकल गया, डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू भी साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। अब भी का वैल्यू रख दीजिए, अब फिर आप वन में रख दीजिए मान, भी का वैल्यू क्या हो जाएगा जनाब, डी वी बाय डी एक्स, भी का वैल्यू आपके पास है, आपके पास है यहाँ, इधर तो मिटा दिए, यहाँ पर है, तो क्या होगा एक्स साइन एक्स साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। अब आप फ्रॉम वन, वन में क्या लिखे हैं आप देख लीजिए, क्या है डी वाई बाय, कलम का है फिसल रहा है, डी वाई बाय डी एक्स इजकल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। देखिए तो खूब बनाइए, खूब पढ़िए सबको, सब लोग थोड़ा सा भी एक चल रहा है कोरोना वायरस, उससे भी बचिए, हम यही बोलेंगे उससे भी बचिए, अपने अपने घर में रहिए, सरकार का निर्देश है, और इससे एक उपाय यही है कि आप दूसरों से दूरी बना के रहें। तो आप रख दीजिए वैल्यू, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू बटे डी एक्स, देखिए डी यू बटे डी एक्स यहां निकालें आप, डी यू बटे डी एक्स इसको आप इक्वेशन मान लीजिए बी, देखिए तो यहां है, तो लिख सकते हैं साइन एक्स टू डी पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर
साइन एक्स वाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, इस टाइप का देखिए आंसर आपके पास है। आप कोशिश करेंगे इस तरह सवाल आज बनाएंगे, आप किताब को देखेंगे, दो चार पाँच सात प्रॉब्लम है उसको बनाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है, और थ्योरी को देखिए, थ्योरी पर ही प्रॉब्लम है, विदाउट थ्योरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जितना भी प्रॉब्लम बनेगा थ्योरी पर बनेगा, प्रोसेस यही है। अंकित जी का कहना है सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए बनाने, विशाल प्रकाश अंगद कुमार कहना है, ठीक है पप्पू जी भी जुटे हैं, मिथिलेश कुमार जुटे हैं, पंकज कुमार हैं, कुंदन कुमार हैं, सालू भारती भी हैं, बाल किशोर कुमार हैं, विकास कुमार हैं, अंगद कुमार हैं। सर एक एग्जाम्पल और दीजिए, दे रहे हैं, हमको लगता है कि हो जाएगा तब ना, अब हमको लगता है हो गया होगा, वीडियो भी चल रहा है, वीडियो भी आप पीछे देख सकते हैं, दे देते हैं। चलिए इधर हो गया होगा, और आप एक एग्जाम्पल देते हैं, बनाइएगा घर में, y इक्वल टू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स प्लस टेन एक्स टू दी पावर साइन एक्स। मुझे उम्मीद है आप लोग बना लीजिएगा, देखिए तो बन जाएगा, बन जाएगा आप लोगों से, देखिए। रंजन बाबू भी जुटे हैं, हुक्स लिखते हैं, बड़ा अच्छा बात है। देखिए मुझे उम्मीद है कि यह एग्जाम्पल बन जाएगा, यू भी मान करके। साकेत कुमार जी सर एग्जाम्पल बना दीजिए, बन जाएगा सबसे, आज बना लीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों से बन जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह के भी आपके पास प्रॉब्लम आएंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम आप कैसे बनाएंगे, ऐसे तो आप बना सकते हैं लेकिन लंबा होगा। इस तरह का प्रॉब्लम दिखाते हैं हम आपको, कैसा है प्रॉब्लम इस तरह से। सभी लोग लिखे बन जाएगा, बहुत अच्छा, धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू मेनी मेनी थैंक्स। इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको आएगा, आप इस तरह से एग्जांपल देखिए, इस तरह दे देगा आपको कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स कॉस फोर एक्स, इस टाइप का एग्जांपल देगा, तो आप कैसे बनाएंगे। हम इसी का थ्योरी पर चलते हैं, देखिए इस तरह रहेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, सब इंटू में रहेगा, तो आप कैसे इसको बनाएंगे। इसको ऐसे आप बना सकते हैं, यू वी डब्ल्यू एक फॉर्मूला दिए थे आपको, यू वी डब्ल्यू वाई डी एक्स, तीन को रहेगा तो इस तरह से बना सकते हैं, कहे थे तीन चोर है अकेले तुम हो, वी डब्ल्यू को बांधो, वी डब्ल्यू को बांधो, और सबसे पहले यू को डंगाओ, यू का डिफ्रेंशिएट करो, प्लस यू डब्ल्यू लाइए डी वी बाई डी एक्स, प्लस आपको यू इंटू भी रखिए डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, इस तरह से बनाएंगे, लेकिन आ सकता है लेकिन इधर से थोड़ा लंबा होगा, इस तरह से बनाइए आप। लॉग लेकर के, कैसे लेकर के, लॉग लेकर के टेकिंग टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग वाई इक्वल टू लॉग एफ एक्स जी एक्स एच एक्स डब्ल्यू एक्स, देखिए तो आपको बताए थे लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला, लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर इस तरह हो जाए लॉग एम इंटू एन इंटू के, तो इसको फिर कहेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग के, इस तरह से अलग अलग टूटता है, जब इंटू में रहे, इंटू में रहे तो क्या होता है सब प्लस में अलग अलग टूटता है, तो यहाँ भी तो आप बना सकते हैं, जब लॉग लग गया तो सब अलग अलग टूटेगा, सेपरेट कर दीजिए लॉग में सबको, लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स
प्लस लॉग एच एक्स प्लस लॉग डब्ल्यू एक्स, इस टाइप से हम कर लेंगे। अब देखिए तो सब प्लस में है, सब में डबल फंक्शन है, लॉग अलग, अलजेब्राइक अलग, फंक्शन अलग, देर आर टू पार्ट्स, देर आर टू पार्ट्स, देर आर टू पार्ट्स। और आपको लग रहा होगा अभी सर डिफरेंशिएटिंग करने में दिक्कत था, लेकिन अब जो हम ये सॉल्व नीचे करके लाए इसको, अब ये डिफरेंशिएटिंग के मोड में है, अब ये डिफरेंशिएटिंग के मोड में है, तो आप इसको डिफरेंशिएटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएटिंग कर सकते हैं। और आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या लिखिएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चूंकि सब एक्स का फंक्शन है तो सबसे पहले यहां लॉग का होगा, तो वन बाय वाई, वाई का डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले लॉग का, तो क्या लिखेंगे? वन बाय एफ एक्स, एफ एक्स का क्या बोलते हैं आप लोग? एफ डैश एक्स प्लस वन बाय जी एक्स, जी डैश एक्स प्लस वन बाय एच एक्स, एच डैश एक्स प्लस वन बाय डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू का डब्ल्यू डैश एक्स। देखिए तो डिफरेंशिएटिंग। अब ले आए y को कहां ले जाना है? इधर ले जाना है, इसलिए बोलेंगे dy वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई इंटू एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स बाय जी एक्स प्लस एच डैश एक्स बाय एच एक्स प्लस डब्ल्यू डैश एक्स बाय डब्ल्यू एक्स। इस तरह की बात करें हम जी, बिल्कुल चैन रूल पर है ये, आप चैन रूल से बना सकते हैं, डबल फंक्शन है, चैन रूल से लाइए इसको और वाई का वैल्यू रख दीजिए, दिस इज आंसर। नीचे हमको लगता है दिखाई पड़ता होगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, देखिए आंसर वाई का वैल्यू क्या है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स डब्ल्यू एक्स इंटू एफ डैस एक्स बाय एफ एक्स प्लस जी डैस एक्स बाय जी एक्स प्लस एच डैस एक्स बाय एच एक्स प्लस डब्ल्यू डैश एक्स वाई डब्ल्यू एक्स। देखिए दिस इज ए फॉर्मूला, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ फोर फंक्शन, फाइव फंक्शन, थ्री फंक्शन, एन फंक्शन, दिस इज प्रोसेस ऑफ द मल्टीपुल ऑफ द मेनी मल्टीपुल ऑफ द फंक्शन डिफरेंशिएशन मेथड। इस तरह से फॉर्मूला पर सब बड़ा होगा, फॉर्मूला पर सब बड़ा होगा। आप बोल रहे हैं सौरभ जी फॉर्मूला पर सब बड़ा होगा, हैप्पी कुमार जी जुटे हैं, साकेत जी भी हैं, सचिन जी भी हैं, पंकज कुमार जी भी हैं, दीपक कुमार जी भी हैं, सचिन कुमार जी भी हैं, रितेश आनंद भी आज आए हैं। आप लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट लिखते हैं मेरे कॉमेंट बॉक्स में, देखते हैं। कुछ लड़के का प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को हम बताएंगे, पहले थ्योरी ख़त्म कर दें, क्योंकि कुछ लड़के प्रॉब्लम भी भेज रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हम कलेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आपको सब प्रॉब्लम लेके हम आएंगे। अब देखिए इस पर एग्जांपल देते हैं हम आपको, कैसे बनेगा एग्जांपल। एग्जांपल वाई इक्वल टू साइन एक्स, साइन टू एक्स, साइन थ्री एक्स, साइन फोर एक्स, फॉर एग्जाम्पल दे दिए आपको। मेनी मल्टीपुल्स ऑफ फंक्शन अगर होगा तो आप लॉग लेके बनाएंगे, लॉग में छोटा होगा, अगर इसको बनाएंगे यू वी डब्ल्यू जेड में तो देखिए तो तीन को रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करते 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 पूरा बोर्ड हो जाएगा, इसलिए इधर से थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, और इधर आसान लेकर के आप बनाइए, बहुत अच्छा बात है। इसे एक ही सवाल का, एक ही सवाल का बार बार मेनी प्रोसेस है बनाने का, और ये अपना अपना तरीका है बनाने का, कोई टेंशन नहीं है, अपना अपना तरीका है बनाने का, इसलिए आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका देखिए अब एग्जांपल हम देते हैं, इसी थ्योरी पर एग्जांपल देते हैं, इस पर सवाल भी होगा। सवाल अभी कॉस साइन कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, इससे सवाल है, आप देख लीजिए किताब में, जिसका भी छूट गया है लिखते हैं कोई लड़के, ये छूट गया सर तो वीडियो रिपीट कीजिए, वीडियो रिपीट करके देखिए, वीडियो में आ गया है सब, रिपीट कीजिए। अब देखिए इसमें फिर क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, लॉग वाई, लॉग साइन एक्स
साइन टू एक्स, साइन थ्री एक्स, साइन फोर एक्स, इस टाइप से। तो क्या करेंगे आप, अलग अलग करेंगे, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग लॉग साइन टू एक्स प्लस लॉग साइन थ्री एक्स प्लस लॉग साइन फोर एक्स। अब आ गया, डिफरेंशिएटिंग के मोड में है, डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन बाय वाई लॉग का पहले, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले लॉग का, तो लॉग का क्या होगा, वन बाय साइन एक्स। साइन एक्स चैन रूल पर तोड़ना है सबको, किस पर तोड़ना है, चैन रूल पर तोड़ना है। तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन, यहाँ तीन फंक्शन है, वन टू थ्री, थ्री फंक्शन है, यहाँ टू फंक्शन है। तो लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो पहले लॉगरिथम को तोड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल के रिस्पेक्ट में, अब फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस एक्स प्लस यहाँ थ्री फंक्शन, वन टू थ्री, थ्री स्टेप में तोड़ना है, वन बाय साइन टू एक्स, साइन का कॉस टू एक्स और टू एक्स का टू, प्लस वन बाय साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री, प्लस वन बाय साइन फोर एक्स कॉस फोर एक्स इंटू फोर। तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई रख दीजिए इधर, वाई इधर आ जाएगा, कॉस इंटू साइन क्या बोलते हैं, कॉट एक्स प्लस टू कॉट टू एक्स प्लस थ्री कॉट थ्री एक्स प्लस फोर कॉट फोर एक्स। उत्तर, उत्तर नहीं कहेंगे चूंकि जगह नीचे कम है, y का वैल्यू रख दीजिएगा और इसमें रख दीजिएगा उत्तर, y का वैल्यू रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा उत्तर। अच्छा, इसमें आप लिखे हैं अमित कुमार राय जी, समझ में नहीं आ रहा है, पीछे का वीडियो देखें, हम तो आज पहली बार आपका नाम देखे हैं, आप पीछे का वीडियो देखें कैसे डिफरेंशिएटिंग होता है, क्या चैन रूल सिस्टम बताए हैं, आप बताएंगे नहीं। अरे अच्छा, बड़ा वीडियो करो ना, मोबाइल में वीडियो बड़ा करो, बड़ा अक्षर है, तुम छोटा में देखता होगा इससे तुमको छोटा दिखाई पड़ता है, बड़ा करो ना वीडियो, लॉन्ग में करो, इस तरह से वीडियो देखो, बड़ा करके इस तरह से आपको बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई पड़ेगा। आप लोग छोटा वाला हम देखते होंगे, नीचे चार्ट देखते होंगे, चार्ट को छोड़िए आप, आपको वीडियो देखना है, बड़ा देखिए, हम साफ साफ ही लिखते रहे हैं, इतना साफ लिखे हैं, हम लोग देखते हैं वीडियो साफ दिखाई पड़ता है, और लड़के तो कोई शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए ना आपको कहते हैं वीडियो बड़ा कीजिए, चार्ट आप अपना मत देखिए, वीडियो बड़ा कीजिए, है ना, वीडियो बड़ा मत, अक्षर एकदम साफ दिखाई पड़ेगा, बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई पड़ेगा। अमित कुमार राय जी आपको बोल रहे हैं, तो इस तरह से वाई का वैल्यू रखेंगे और आपके पास आंसर होगा, इस तरह से बना सकते हैं आप लॉग लगा करके। तो मेरे ख्याल से हो गया होगा इस टाइप से, इस टाइप से। अब देखिए इस तरह का थ्योरी पर चलते हैं हम, इस तरह थ्योरी की बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, इस तरह का भी आपके पास हो सकता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स बाय एच एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, अगर इस टाइप की भी बात हो। और देखो तो ये यू वाई भी में तुम बना सकते हो, फिर यू वाई भी में करने के बाद यू इंटू भी में टूटेगा, यू इंटू भी में टूटेगा, तो फिर लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे, और इसको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं हम, इसलिए हम इसका, इसको क्या करेंगे, लॉग लेके बनाएंगे। आप लॉग लेके बनाइए, वेरी इजी प्रॉब्लम हो जाएगा, वेरी सिंपल वे में बनेगा, इसलिए अगर आप डायरेक्ट प्रोसेस में जाते हैं यू वाई भी में, तो फिर आपको लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो इजी, समय का भी बचत हो, इसको देखते हुए कम टाइम लगे, इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, लॉग में ले लेंगे, क्या लेंगे लॉग, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लिखेंगे लॉग वाई इक्वल टू लॉग एफ एक्स इंटू जी एक्स बाय एच एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, एच एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, इस तरह की बात करें हम। और इस तरह की बात जब करेंगे, अब देखो तो ये m बाय एन क्या तोड़ेंगे, m बाय एन को log m माइनस log n एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस log एच एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, एच एक्स इंटू, देखो तो log m बाय एन log m माइनस log n, फिर यहां पर देखिए m इंटू एन log m इंटू एन, log m इंटू एन, तो क्या कहोगे,
log fx प्लस log gx, ये तो दोनों में माइनस लगेगा, प्लस होगा तो माइनस लगेगा, तो log hx माइनस log wx। जो भी लड़के को समझ में नहीं आ रहा है, ये मैथ है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि जहां से पढ़े वहीं से स्टार्ट कर दिए लिखने लगे, ये मैथमेटिक्स है आपका है, तो उसको देखिए। 5.2 से हम पढ़ाना शुरू किए हैं, डिफरेंशिएशन है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन से, उसके पहले बेसिक क्लास भी हम दिए हैं, वो बेसिक क्लास आप देखेंगे, और बेसिक क्लास देखते शुरू से आएंगे तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का, इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम पढ़ाए हैं, तो वो सब वीडियो आप पीछे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक भी चीज़ नहीं होगा कि नहीं छूटेगा। हमें फंक्शन पकड़ने का तरीका बता दिए हैं, कितने फंक्शंस हैं, कितना फंक्शन का यूज होगा वो तरीका बताए हैं, चैनल रूल सिस्टम बनाया है, फंक्शन पकड़िए, अगर थ्री फंक्शन है तो थ्री स्टेप में टूटेगा, इस तरह से हम सबका बताए गए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड्स भी बताए हैं, इंट्रोडक्शनरी क्लास भी है, आप उसको भी देखेंगे, और जो भी देखते होंगे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम यही प्रयास करेंगे आपसे, और जहाँ भी दिक्कत हो प्रॉब्लम में आप पूछ सकते हैं इस टाइप से। तो आप बताइए, इसका आप डिफरेंशिएटिंग के मोड में आया, आ गया इसी तरह से, तो आ गया सब, ये देखिए तो डिफरेंशिएटिंग के मोड में आ गया, और आसान हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन, तुरंत बना देंगे आप, क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस वन बाय डी एक्स, दो फंक्शन है चैन रूल में, चैन रूल में एफ एक्स का डिफरेंशियल बताए थे आपको, डी ऑफ एफ एक्स डी एक्स बताए थे, क्या होता है एफ डैश एक्स, अब जो भी रहेगा एक्स रहेगा तो वन होगा, साइन एक्स रहेगा लॉग साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स होगा, इस तरह से करेंगे आप जी एक्स और जी डैश एक्स माइनस वन बाय एच एक्स एच डैश एक्स माइनस वन बाय डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू डैश एक्स, डिफरेंशिएटिंग वाई को इधर लाएंगे आप, वाई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स बाय जी एक्स, जी एक्स जी डैश एक्स है, माइनस एच डैश एक्स बाय एच एक्स माइनस डब्ल्यू डैश एक्स बाय डब्ल्यू डैश, इस टाइप से। तो इस टाइप से हो गया, अब वाई का मान रख लीजिए आप, y का मान रख लेंगे इस टाइप से करेंगे, y का वैल्यू रख लीजिए, चूंकि जगह नहीं है y का मान यही रख लीजिए आपका आ जाएगा, या इधर लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स बाय एच एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स बाय जी एक्स माइनस एच डैश एक्स बाय एच एक्स माइनस डब्ल्यू डैश एक्स बाय डब्ल्यू एक्स, इस टाइप से डब्ल्यू एक्स, इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला हुआ। चाहे तो आप फॉर्मूला पर रख सकते हैं या डायरेक्ट प्रोसेस में बना सकते हैं, एज यू लाइक, आप जैसा चाहें, लेकिन इंटर में हैं, अगर आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में है तो फटाफट कर लीजिएगा, या प्रैक्टिस क्या हुआ रहेगा तो तुरंत कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो किसी कंपटीशन में जाते हैं तो बन जाएगा, नहीं ऐसे इंटर में आप बनाते हैं तो फिर तो प्रोसेस में चलना पड़ेगा। जिसका भी दूसरा क्लास है जा सकते हैं छोड़ के, हमको टेंशन हमको नहीं है, दूसरा क्लास है, पहला क्लास है, हम उसे नहीं जानते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल की बात करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स इन टू एक्स प्लस वन, देखिए यू वाई भी फॉर्म में भी बना सकते हैं आप, इस तरह की बात करें हम, यू वाई भी फॉर्म भी बना सकते हैं, और ऐसा रहिए, एग्जाम्पल कल बताते हैं, इसको एक बार देख के आइएगा, इस एग्जाम्पल को बना करिएगा, लॉग से बना करिएगा, इस एग्जाम्पल को लॉग लगा के बनाइएगा आप लोग, हम दिए थ्योरी पर दे दिए हैं आपको, आप बना करिएगा। वेरी वेरी थैंक्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा वीडियो शुरू से देखिए, और आप
को सब चीज समझ में आएगा। कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। आप लोग जितने भेजते हैं हम सब बना देंगे आपका। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।